हेलो सर, मेरा विजय दोस्तों, ये भी तो हमारे एकदम लेटेस्ट सड़कता भड़कता ऑनर 90 लाइट 5G स्मार्टफोन जो किया था मीडिया टेक के लेटेस्ट डायमेंसिटी 6020 5G प्रोसेसर के साथ में। और ऑनर 90 लाइट के नाम के आगे भले ही लाइट लगता हो, लेकिन ये स्मार्टफोन अपने साथ में लेके आते हैं एकदम प्रीमियम स्पेक्स, एकदम प्रीमियम बिल्ड के अंदर। और ऑनर की जो नंबर सीरीज है ना, वो मतलब शुरू से ही अपनी प्रीमियम बिल्ड और प्रीमियम स्पेक्स के लिए जानी जाती है। जहां पे मुझे ध्यान है 2016-17 के अराउंड जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, तब यहां पे ऑनर का 8 और ऑनर का 9 स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था 2017 में। तो मतलब वो स्मार्टफोन लेने का ना मेरा बहुत मन था, उस समय ले नहीं पाया, लेकिन वो जो स्मार्टफोन्स हुआ करते हैं ना, बेस्ट इन क्लास बिल्ड क्वालिटी के साथ में आते थे। उस समय ऑनर की जो है ना, हुआवे की किरिन चिपसेट चलती थी। अभी तो ऑनर अलग हो गया, अपने साथ में गूगल प्ले सर्विसेज भी लेके आता है। ऐसे में ये वाला स्मार्टफोन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। और इस स्मार्टफोन के कंपैरिजंस भी मैं बहुत सारे इंडिया में अवेलेबल वाले स्मार्टफोन्स के साथ में जल्दी लेके आने वाला हूं, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले तो हमें अपना ऑनर 90 लाइट ही देखने के लिए मिल जाता है। इस प्लास्टिक में चिपका हुआ आता है ये वाला फोन। और इस फोन को मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूं, लगभग 5 दिन से इसको यूज कर रहा हूं, तभी तो आपको रिव्यू शेयर करूंगा ना, मतलब कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है फोन के साथ में। उसके बाद हमें यहाँ पे ये फोल्डर देखने के लिए मिल जाता है, जिसके अंदर हमें ऑनर ने कवर भी लगा के दिया हुआ है। और फोन पे ना यहाँ पे एक पहले से ही स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है प्लास्टिक वाला, तो आपको कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक सिम इजेक्टर टूल भी देखने के लिए मिल जाता है। जो केस है वो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है और काफी डिसेंट सी क्वालिटी का आ जाता है। उसके बाद उसमें यहाँ पे बॉक्स के अंदर चार्जर भी देखने के लिए मिल जाता है, जहां पे आजकल सैमसंग के बहुत सारे फोन मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में भी इवन चार्जर स्किप कर दे रहे हैं। ऑनर यहाँ पे चार्जर भी लेके आता है। उसके बाद यहाँ पे पावर केबल भी मिल जाती है। यहाँ पे मुझे एक कंप्लेन है, यहाँ पे टाइप सी टू टाइप सी केबल दे देनी चाहिए थी ऑनर को, टाइप ए टू टाइप सी अभी तक लेके आ रहा है फॉर सम reasons, लेकिन फ्यूचर में आई होप दे अपग्रेड टू टाइप सी केबल। एक चीज लेकिन यहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा सही लगी, मतलब कोई भी ब्रांड ना आजकल अपने फोन के साथ में ईयरफोन नहीं दे रहा है, ऑनर ने भाई यहाँ पे ईयरफोन भी दे के रखे हैं। उसके अलावा एक टाइप सी टू 3.5 वाला एडेप्टर भी दे के रखा है, ताकि आप जो बॉक्स में प्रोवाइडेड ईयरफोन है उसको बहुत ही इजिली यूज कर पाओ अपने फोन के साथ में। तो मतलब आपके बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पैसे ऑनर किसी भी चीज में खर्च नहीं करवा रहे यहाँ पे। इस फोन की सबसे पहली चीज जिसने मुझे अट्रैक्ट किया है दोस्तों, वो है फोन की डिजाइन। जहां पे ऑनर की नंबर सीरीज है तो ऑब्वियसली बहुत ही प्रीमियम डिजाइन के साथ में आता है। जहां पे ये जो कैमरा रिंग है ना, ये भी काफी ज्यादा यूनिक और एकदम प्रीमियम सा एक्सपीरियंस दे रही है। नीचे की तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है 100 मेगापिक्सल का कैमरा। और जो यहाँ पे बैक साइड है वो बहुत ही स्पार्कलिंग सी एक टोन दे रही है। ओवरऑल इस ब्लू कलर में ना ये फोन काफी ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस फोन की थिकनेस है ना वो भाई 7.5 मिलीमीटर की है, तो वन ऑफ द स्लिमेस्ट फोन बोल सकते हैं इसको इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। और यहाँ पे जो वेट लेके आता है वाला फोन, वो है 185 ग्राम्स का, जो कि अगेन इस फोन को वन ऑफ द लाइटेस्ट मिड रेंज स्मार्टफोन बनाती है, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है हमें ऑनर 90 लाइट। तो डिजाइन के बारे में मैं बोलूंगा कि भाई मतलब बहुत ही ज्यादा प्यारी डिजाइन देके रखी है ऑनर ने इस फोन के साथ में। फिजिकल लोगों की अगर बात करें तो यहाँ पे नीचे की तरफ हमें टाइप सी पोर्ट देके रखा है अलॉन्ग विद वन माइक्रोफोन एंड वन स्पीकर। ऊपर की तरफ यहाँ पे हमें अगेन IR ब्लास्टर देके रखा है इस वाले फोन का, अलॉन्ग विद अ सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन। राइट साइड में यहाँ पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स है। लेफ्ट साइड बिल्कुल सपाट खाली सा छोड़ के रखा है, जहां पे हमें एक सिम कार्ड ट्रे देखने के लिए मिल जाती है, जो कि डुअल नैनो सिम को सपोर्ट करती है। इस फोन में हमें यहाँ पे 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऑनर ने एक चीज अच्छी कर दी कि भाई यहाँ पे अडेप्टर प्रोवाइड करा दिया बॉक्स के अंदर, बॉक्स के अंदर ही ईयरफोन भी प्रोवाइड करा दिया, तो वो इशू यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। और यहाँ पे सिम कार्ड ट्रे है वो माइक्रो एसडी कार्ड को सपोर्ट नहीं करती है, वो भी बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज ऑनर ने यहाँ पे बेस वेरिएंट इस फोन का स्टार्ट किया है फ्रॉम 256 GB विद 8 GB ऑफ रैम, जहां पे हमें 5 GB का ऑनर रैम टर्बो भी मिल जाता है। तो माइक्रो एसडी कार्ड मुझे ऐसा नहीं लगता कि 256 GB के बाद आपको जरूरत पड़ेगी। तो हर चीज का यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है। और ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर ही रहा हूं, तो इस फोन का प्राइस भी आपको बता देता हूं। ये फोन स्टार्ट होता है UAE के अंदर, दुबई के अंदर 899 दिरहम्स का, जो कि अप्रोक्सीमेटली 20,000 इंडियन रुपीज होते हैं। एंड फॉर दिस प्राइस आपको बेस वेरिएंट 256 GB मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी एंड मोस्ट प्रीमियम लुकिंग डिवाइस ये वाला निकल के आ रहा है। आगे और भी चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है ना, वो भाई यहाँ पे 6.7 इंचेस की रखी गई है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आती है विद फुल HD प्लस रेजोल्यूशन। और यहाँ पे स्मार्टफोन में हमें DC डिमिंग टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, जहाँ पे फ्लिकरिंग बहुत हद तक कम कर दी जाती है डिस्प्ले की, विच इज वेरी गुड फॉर योर आईज। एंड यहाँ पे आई कम्फर्ट मोड भी हमें देखने के लिए मिल जाता है, जो कि अगेन फ्लिकरिंग को कम कर देगा एंड ब्लू लाइट को कम कर देगा, विच इज वेरी गुड फॉर योर आईज।
स्टोरीज। वैसे भी आजकल हम लोग बहुत ज्यादा अपने फोन में मतलब कंटेंट कंज्यूम करने लग गए हैं। एक कंसर्न यहाँ पे आपको आएगा कि भाई यहाँ पे 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले क्यों नहीं प्रोवाइड कराई ऑनर ने, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको भाई कि IPS लेवल डिस्प्ले है जो कि ब्लैक्स बहुत अच्छे प्रोड्यूस कर देती है, और 90 हर्ट्ज के साथ में भी ये डिस्प्ले बहुत ज्यादा स्मूथ फील करती है जो कि आप देख ही सकते हैं अपने स्क्रीन पर। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस डिस्प्ले ना कि ये भाई स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो अपने साथ में लेके आती है ना, एकदम एज टू एज फैली हुई है, और यहाँ पे बिल्कुल भी बॉर्डर हमें देखने के लिए मिलते ही नहीं है। सिर्फ नीचे की तरफ यहाँ पे छोटी सी हमें चेन देखने के लिए मिल रही है, ऊपर और दाएं बाएं यहाँ पे बहुत ज्यादा कम बॉर्डर हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कि एकदम प्रीमियम फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले लगती है देखने में। और साइड में यहाँ पे पावर बटन में ही इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी लगा हुआ है जो कि काफी ज्यादा जल्दी इस फोन को अनलॉक कर देता है, मतलब फिंगर रखी और ये अनलॉक हो गया। फिर यहाँ पे नई मीडियाटेक की 6020 चिप के बारे में बात करते हैं। जो नए प्रोसेसर्स होते हैं दोस्तों, उसको टेस्ट करने में मेरे को बहुत ज्यादा मजा आता है, और नए प्रोसेसर इज अ रियल थिंग बिकॉज अपने साथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी लेके आते हैं, बेटर कैमरा ISP भी लेके आते हैं, तो बहुत कुछ नया सा यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए लगा रहता है। जहां पे ये वाला फोन आता है MediaTek के लेटेस्ट Dimensity 6020 5G प्रोसेसर के साथ में, जो कि यहाँ पे एक 7 नैनोमीटर के प्रोसेस में बिल्ड करा गया है। एंड दिस प्रोसेसर दोस्तों इज वेरी वेरी एफिशिएंट। सबसे पहले यहाँ पे Geekbench के स्कोर्स के ऊपर नजर डालते हैं। 731 सिंगल कोर एंड मल्टी कोर में 1867, एंड फॉर अ मिड रेंज फोन ये जो स्कोर्स हैं वो बहुत ज्यादा डिसेंट निकाल के दिए हैं। Antutu मैं यहाँ पे रन नहीं करता हूँ बिकॉज Antutu जो यहाँ पे स्कोर्स निकाल के देता है वो बहुत हद तक मैनिपुलेटेड भी रहते हैं, तो मैं यहाँ पे Geekbench के ऊपर भरोसा करता हूँ। एंड इन Geekbench दिस इज प्रोड्यूसिंग रियली रियली गुड स्कोर्स। When it comes to RAM दोस्तों, यहाँ पे 8GB की RAM Honor ने built-in डाल के दी है, और 5GB RAM Turbo दिया है जो कि storage से कुछ portion उठा के आपके यहाँ पे RAM की तरह उसको use करेगा, जहाँ पे आपके जो ongoing process होंगे वो store होंगे। For example, जो Geekbench के scores है मैंने 3-4 घंटे पहले record करे थे, और अभी तक ये RAM के अंदर stored है, application बंद नहीं हुई, मुझे फिर से scores calculate करने नहीं पड़े, विच इज अ गुड थिंग। अब भाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में बिल्ड हुआ है तो प्रोसेसर बहुत ज्यादा पावर एफिशिएंट भी है। उसके बारे में बैटरी वाले पार्ट में बात करते हैं, और ये प्रोसेसर अपने साथ में ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट भी लेके आता है जो कि हमें इस फोन में देखने के लिए मिल जाती है फॉर बेटर वायरलेस कनेक्टिविटी। यहाँ पे इस फोन में हमें NFC का सपोर्ट भी देके रखा है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप टैप करके पे कर सकते हैं अपने कार्ड के थ्रू। मैं इसको बहुत ज्यादा पर्सनली यूज करता हूँ, और गेटिंग इट इन अ 900 दिरहम फोन जो कि इंडिया के 20,000 कन्वर्ट होते हैं इज वेरी गुड। और भाई इस फोन का कंपैरिजन मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा विद द OnePlus Nord C3 जो कि इंडिया में भी 19-20 हजार का अवेलेबल है, और दुबई में भी यहाँ पे 800-900 हजार दिरहम की रेंज में आ जाता है। तो इन दोनों डिवाइसेस को टेस्ट करने में मतलब बहुत ज्यादा मजा आएगा। अलग अलग प्रोसेसर्स के साथ में आते हैं लेकिन बहुत ही सिमिलरली प्राइस एंड स्पेक्ड दोनों फोन्स हैं। तो चैनल को दोस्तों जरूर से सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ना, मतलब आपके सब्सक्राइब करने से ना हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए, और आपको यहाँ पे बिल्कुल भी फ्री पड़ता है सब्सक्राइब करना, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों इस फोन के कैमरा के बारे में। जहाँ पे ये वाला फोन आता है 100 मेगापिक्सल के हाई रेजोल्यूशन कैमरा के साथ में, जहाँ पे F1.9 का अपर्चर दिया हुआ है, इसमें एक अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर भी मिलता है जो कि 5 मेगापिक्सल का है, जो कि यहाँ पे डेप्थ सेंसर की तरह भी एक्ट करता है, जो कि यहाँ पे F2.2 के अपर्चर के साथ में आता है। एंड देन वी हैव अ मैक्रो कैमरा 2 मेगापिक्सल का, जो कि यहाँ पे अगेन F2.4 के अपर्चर के साथ में आता है। इन टर्म्स ऑफ फ्रंट कैमरा यहाँ पे जो स्पेक है वो है 16 मेगापिक्सल एंड F2.5 अपर्चर। दूसरे फोन में यहाँ पे 100 मेगापिक्सल का जो कैमरा देके रखा है उसको अगर आपको फुल फंक्शन के साथ में यूज करना है तो यहाँ पे आपको मोर ऑप्शन में जाना होगा, और यहाँ पे आपको हाई रेस मोड देखने के लिए मिल जाएगा जो कि फुली फंक्शन 100 मेगापिक्सल इमेजेस आपको निकाल के देगा। और जब इस मोड के साथ में आप पिक्चर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि पिक्चर्स काफी ज्यादा डिटेल निकल के आ रही है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे सारी फोटोज देख सकते हैं जो कि मैंने इस फोन के साथ में क्लिक करी है, जहाँ पे डायनेमिक रेंज अच्छा निकाल के दे रहा है, सैचुरेशन वगैरह भी बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहा है। इन टर्म्स ऑफ फ्रंट फेसिंग कैमरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सपोजर बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहा है ये वाला कैमरा, और जो स्किन टोन निकल के आ रही है ना वो ऑलमोस्ट नियर टू ट्रू लाइफ निकल के आ रही है इस फोन के साथ में। व्हेन इट कम्स टू द वीडियो दोस्तों, यहाँ पे OIS नहीं देके रखा है एंड वीडियो 1080p 30fps तक ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर आप व्लॉग वगैरह के लिए फोन लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसका जो बड़ा वाला भाई है Honor 90 विदाउट लाइट वाला, उसको आप कंसीडर कर सकते हैं जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव जाएगा। उसका रिव्यू वीडियो भी मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि लेके आ जाऊं चैनल के ऊपर। तो कुछ इस तरह की वीडियोस Honor 90 लाइट अपने कैमरा के साथ में रिकॉर्ड कर लेता है। अब दोस्तों यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया में Honor अभी तक अवेलेबल नहीं है लेकिन दुबई के अंदर एज आई सेड अवेलेबल है। आपके लिए ये सॉफ्टवेयर एकदम नया सा लगेगा आपको, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है।
ऑनर की मैजिक यूआई 7.1 के साथ में आता है ऑन द टॉप ऑफ लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 फ्रॉम गूगल। एंड्रॉइड 14 की अपडेट भी दोस्तों डेफिनेटली इस फोन के साथ में आ जाएगी बिकॉज एक मिड रेंज प्राइस सेगमेंट का फोन है ये वाला। कुछ बहुत ही स्पेशल से फीचर्स के साथ में आता है। एप्पल ने रिसेंटली अभी अपना iOS 17 अनाउंस करा है, उसमें यहाँ पे एप्पल ने इंटरेक्टिव विजिट्स के बारे में बात करी थी अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे इंटरेक्टिव विजिट्स टाइप का ही कुछ ऑनर बहुत पहले ला चुका था जिसको ऑनर बोलता है लार्ज फोल्डर्स। तो यहाँ पे आप किसी भी ऐप पे क्लिक कर सकते हो, लिटरली यहाँ पे फोल्डर के अंदर से ही आप इसको ओपन कर सकते हो। ये एक फीचर है जो कि मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल लगा और इस फीचर के साथ ना मतलब ऑलमोस्ट सारी ही मेरी जो एप्स है ना वो सिंगल पेज के अंदर आ गई, दूसरे पेज पे मेरे को पलटने की भाई जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे इस फोन में गूगल प्ले का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है, हुआवे के फोन्स में नहीं आता है, ऑनर के फोन्स में आता है। ऑनर एंड हुआवे आर डिफरेंट ब्रांड्स नाउ। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना ओवरऑल जो फीचर्स प्रोवाइड करा रहा है, जो सेटिंग्स हमें प्रोवाइड करा रहा है वो सारी ही बहुत ज्यादा यूजफुल है एंड वेल ऑप्टिमाइज्ड है, नो कंप्लेंट्स अबाउट दैट। और एक चीज उसने यहाँ नोटिस करी कि नीचे की तरफ एक ही स्पीकर देके रखा है इस फोन में, लेकिन जो ऑडियो निकल के आ रही है ना भाई वो बहुत बहुत ज्यादा लाउड निकल के आ रही है जो कि आप सुन सकते हैं। भाई ये जो नंबर सीरीज वाले स्मार्टफोन्स होते हैं ना ये एकदम प्रीमियम फीचर्स अपने साथ में लेके आते हैं, वही चीज हमें स्पीकर में भी मिल रही है। जबकि एक ही स्पीकर देके रखा है लेकिन देख लो भाई कितना ज्यादा लाउड है। तो बहुत बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं मैं विद द स्पीकर्स ऑफ दिस फोन। लास्टली यहाँ पे बैटरी लाइफ के बारे में बात करते हैं, जो कि एक 4500 मिली एम पावर की बैटरी सेल प्रोवाइड करा रहा है ये वाला फोन और 35 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते वाला फोन थ्रू टाइप सी। चार्ज होता है फुली यहाँ पे एक घंटे के अंदर और जो बैटरी है वो डेढ़ दिन तक चल जाती है इस फोन के साथ में। तो बैटरी लाइफ भी नॉट अ इशू एट ऑल। अगर इसको कॉम्पिटिशन से कंपेयर करते हैं फॉर एग्जाम्पल जो नॉट सी 3 है वो फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है 5000 mAh की बड़ी